वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएस बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। शिक्षा न्यूज पे आप देख रहे हैं मुख्य अपडेट्स। प्राइमरी के शिक्षकों को अब 14 रजिस्टर ऑनलाइन भरने होंगे। सत्र 2023-24 का डीबीटी का पैसा 20 मई तक खाते में पहुंचेगा। स्कूली शिक्षा महानिदेशक के आदेश अनुसार इस बार बीसी सखी योजना के तहत घर पर ही पैसे ऑनलाइन निकासी की सुविधा होगी अभिभावकों को। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्राइमरी के गुरुजी को अब नहीं ढोने पड़ेंगे 14 रजिस्टर। इस प्रकार से हैं लखनऊ से, गुरुजी जल्द ही एक के बाद एक 14 रजिस्टर भरने की झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। रजिस्टर पर ना प्रतिदिन आप अपनी हाजिरी लगाने की समस्या रहेगी और ना ही बच्चों की हाजिरी बनाने के लिए कक्षा तक रजिस्टर लाद कर लाने की मजबूरी रहेगी। मिड डे मील के रजिस्टर को अलग से संभाल कर रखने की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। अब ये सारे कार्य मोबाइल के जरिए किए जाएंगे। जी हाँ, मोबाइल पर ही उपस्थिति दर्ज होगी, मोबाइल पर ही शिक्षक डायरी भरी जाएगी, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका आदि भी उसी पर भरी जाएगी। मतलब यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग पेपरलेस बनने की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है। जानकारों की माने तो मिशन प्रेरणा 2 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में उपयोग हो रहे 14 रजिस्टरों को ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसमें मोबाइल पर एक ऐप तैयार किया गया है। जानकारों की माने तो यह 14 रजिस्टरों को ऑनलाइन करने की तैयारी में मोबाइल ऐप पर एक आ चुका है, पूरे प्रदेश में लागू होगा। फिलहाल इस ऐप के जरिए सभी 14 रजिस्टरों के कार्य मोबाइल पर करने की राजधानी लखनऊ के 4 विद्यालयों के शिक्षक व प्रधान अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई है। 1 सप्ताह तक मिलने वाले फीडबैक के बाद ग्रीष्म अवकाश के बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि शिक्षक अब मोबाइल पर किया जाने वाला एक और कार्य अपने जिम्मे लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि फिलहाल ऐप पर किए जा रहे 3 कार्य, मसलन यूडैश फीडिंग, डीबीटी और परिवार सर्वेक्षण के कार्य ही काफी जटिल और टाइम टेकिंग है। रजिस्टर इस प्रकार है: उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, कक्षावार छात्र उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक डायरी, एमडीएम रजिस्टर, बैठक रजिस्टर, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण रजिस्टर, आय व्यय पंजिका, चेक इशू रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, निरीक्षण रजिस्टर, बाल गणना रजिस्टर, पत्र व्यवहार पंजिका तथा पुस्तकालय एवं खेलकूद रजिस्टर। ये 14 रजिस्टर हैं। शिक्षकों से मोबाइल पर 3 बड़े कार्य करने पहले से ही कराए जा रहे हैं। अब एक कार्य और थोपने की तैयारी है। इसके लिए ना तो कोई सीयूजी नंबर और ना ही इंटरनेट डाटा दिया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ लखनऊ। डिजिटाइजेशन काम को काफी आसान बना देता है। विभाग में भी यही करने की कोशिश की जा रही है। ऐप पर ये सारे कार्य होने से पारदर्शिता रहेगी और सभी के लिए काम भी आसान होगा। श्री विजय किरण आनंद, स्कूली शिक्षा महानिदेशक लखनऊ। डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म का पैसा खातों में 20 मई तक पहुंचेगा। बीसी सखी मदद करेंगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा एवं बैग आदि की राशि 20 मई से पूर्व डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता एवं विभागों के खाते में पहुंच जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सत्र 2023-24 में ग्रीष्म अवकाश से पहले ही अधिकतर छात्र छात्राओं को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभान्वित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पिछले वर्ष के वे छात्र छात्राएं जो वर्तमान में पूर्व की कक्षा से प्रोन्नत होकर ऊपर की कक्षा में उसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उन्हें प्रथम चरण में आगामी 20 मई के पूर्व ही ड्रेस आदि की रकम अभिभावक के खाते में भेज दी जाएगी। बीसी सखी मदद करेंगी। वर्ष 2023-24 से डीबीटी के माध्यम से भेजी गई राशि की निकासी सरल और सुगम बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बीसी सखी योजना के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि अभिभावकों को उनके घर पर ही धन निकासी की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसका मकसद है कि अभिभावक स्थानीय बाजारों से अपने मन माफिक फिटिंग वाले ड्रेस आदि खरीद सके। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।